आई एम एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों को अपना पूरा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने CBT 1 में कैसे पढ़ाई किया था, कौन कौन सी बुक फॉलो किया था, और मतलब आपको कोचिंग लेने के क्या ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि वैकेंसी अगर 2023 के स्टार्टिंग में आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप लोग अभी से प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके ही तैयारी करें। तो आज का वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जब मैं LP बनने का सोचा था 2014 में, तभी मैं प्रीवियस ईयर का पैटर्न को फॉलो कर रहा था, क्योंकि प्रीवियस ईयर सिलेबस थोड़ा टोटली डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू 2018 सिलेबस, क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब सिंपल सिलेबस को फॉलो कराया जा रहा था। उसमें जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग बस इतने ही थे, और जनरली जनरल नॉलेज पहले ज़्यादा पूछा जाता था। तो उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा था, और सबसे पहले मैं क्या किया था कि एक सबसे पहले सिलेबस को अच्छा से एक नोट्स कॉपी में बना लिया था कि क्या क्या सिलेबस है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा आप ब्रॉड सिलेबस लेकर के पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम से आपका लिंक नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसीलिए सिलेबस लिख लिया था और उसको पढ़ रहा था पूरे अच्छे से। और मैंने क्या किया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको सबसे पहले मैं देख रहा था कि किस पैटर्न पे मतलब क्या क्या पूछा जाता है और किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारा कुछ मैं देख लिया था पूरे अच्छे से। मुझे दिन याद है कि जब वैकेंसी आई थी 18 फरवरी को 2018 में, तो उस समय मेरा टोटली माइंड चेंज हो गया था सिलेबस देख करके, क्योंकि टोटली डिफरेंट सिलेबस आ गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़े, क्योंकि इसमें आपके 4 स्टेज में एग्ज़ाम कर दिया गया था, CBT 1, CBT 2 पार्ट ए पार्ट बी, और आपका साइको एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कर दिया गया था। उसमें भी कुछ कुछ टाइप ऑफ टेस्ट इंक्लूड किया गया था, तो इसमें बहुत मैं कन्फ्यूज़न में चला गया था कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है। लेकिन मेरा एक ही एम था कि मुझे एनी हाउ LP एग्ज़ाम को निकालना है। तो मैं क्या किया था कि जिस टेबल में मैं पढ़ता था उसके सामने एक वॉल पे आपका टारगेट LP लिख दिया था, और एक लोकोमोटिव का फ़ोटो मैं खुद से बना करके उसमें लिख दिया था कि 2018 इज़ द फाइनल ईयर और मुझे लेना है। बस माइंड में ही था कि मुझे एनी हाउ निकालना है एग्ज़ाम, और कुछ मैंने नहीं सोचता था, बस यही सोचता था। और मैं बस एक ही डेट को याद करके रखा था कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, और एग्ज़ाम 21 अगस्त को हुआ था फर्स्ट CBT, और बस यही मेरे माइंड में चलता था। और तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे कैसे रूटीन बनाया और क्या क्या मैंने कैसे कौन कौन सब्जेक्ट को कितने आवर के लिए मैं रूटीन में इंक्लूड किया, उसको को मैं फॉलो किया। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड, सुबह में उठते साथ सबसे पहले आपका जनरल साइंस पढ़ता था, जो कि मैं सुबह उठ जाता था करीब 9 बजे तक मैं जनरल साइंस पढ़ता था। उसके बाद आपका 9 बजे मतलब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता था। उसके बाद आपका 9:30 बजे से 11 बजे तक मैं जनरल नॉलेज पढ़ता था। उसके बाद 11 बजे के बाद फिर रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद 11:30 से 1 बजे तक फिर मैं आपका मैथ वगैरह में देखता था कि कौन कौन सा टॉपिक मुझे आज फॉलो करना है, और जो टॉपिक में मैं फॉलो करता था आज वो टॉपिक को मैं पूरा अच्छे से, चाहे मुझे 1 दिन लगे या 2 दिन, मैं उसे कम्प्लीट अच्छे तरीके से कर लेता था। उसके बाद 1 बजे के बाद मैं रेस्ट करता था 1 आवर। उसके बाद 3 या 3:30 बजे से फिर मैं पढ़ता था आपका 4:30 बजे तक पढ़ता था। उस समय मैं रीजनिंग बनाता था। उसके बाद मैं रेस्ट करता था 6 बजे से मैं पढ़ता था कि आपका जो भी मैं सेट प्रैक्टिस करता था डेली, एक सेट डेली प्रैक्टिस करता था, चाहे मेरा नंबर ही कम क्यों ना आए, लेकिन मैं सेट डेली प्रैक्टिस करता था। और जो उससे क्या होता है कि आपका जितने भी सेट में आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करेगा, और वो क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में जब वो आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। एक सेट जरूर मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर रात में मैं पढ़ता था आपका 6:30 बजे के बाद 7:30 बजे से आपका रात को 11 बजे तक मैं पढ़ते रहता था कंटिन्यू। मतलब आपका जितना हो सके मैं मैथ रीजनिंग और फिर जनरल नॉलेज को भी एक बार रिवीजन करता था सारे अच्छे से। फिर 11 बजे के बाद फिर 2 घंटा फिर मैं कोशिश करता था कि कोई एक सेट को प्रैक्टिस कर लूं, और करंट अफेयर मैं डेली पढ़ता था। करंट अफेयर डेली
क्या करता था कि मेरे न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ता था डेली, उससे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था तो मैं वो लिख लेता था अपने डायरी में और एक नोट्स में बनाता था डेली करंट अफेयर का। मतलब जैसे आज 20 नवंबर है तो 20 नवंबर का आपका करंट अफेयर लिख देता था और मेरे नोट्सबुक में लिखे रहते थे। और मैं जब लास्ट मंथ तक पहुंचता था, मतलब 1 मंथ का कंप्लीट होता था, तो मेरे पास अच्छा खासा क्वेश्चन रहता था। और मैं ऑनलाइन यूट्यूब से भी बहुत चैनल को फॉलो करता था, जैसे कि आपका टेक्निकल महात्मा जी ऐसा करके एक चैनल था, फिर क्रेजी जी के ट्रिक भी बहुत ही अच्छा चैनल था, ये सारे चैनल को फॉलो करता था। फिर भुवनेश सर पढ़ाते थे, उनका भी मैं नोट्स बनाते रहता था, क्योंकि वो तो करंट अफेयर ऐसे प्रिपरेशन मैंने किया था। आप लोग भी ऐसे ही करिए, देखिएगा आपका करंट अफेयर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है। और स्पीडी का बुक मैं फॉलो किया था जो कि 1 ईयर या 6 ईयर का कंप्लीट क्वेश्चन आता है। तो ऐसे पढ़ाई करिए। और साइंस में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेसिक अपना क्लियर करिए पहले, फिर आप जा कर के उस टॉपिक को, जैसे सपोज़ आज लाइट पर है तो लाइट का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप यो यूट्यूब से देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सर लोग, नीरज सर ये सब मतलब अभी भी शायद स्टडी करा रहे हैं, तो उन लोगों का चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप पढ़ाई करिए। और जनरल नॉलेज का भी आपको उसी तरीक़े से पढ़ना होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज का तो आप कहीं भी कोई भी टॉपिक को ट्रिक से पढ़ सकते हैं। और क्रेजी जी के ट्रिक इसके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है उस चैनल में, आपको ट्रिक के थ्रू सारा कुछ याद हो जाएगा। और कोशिश करिए कि आपके डेली लाइफ में जो भी काम है वो आप किसी एक दिन कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपको डेली पढ़ने का आदत रहेगा तभी आप इसमें अच्छा से डेडिकेशन के साथ अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। और आपको ज़्यादा थोड़ी प्रिपरेशन करना है, जैसे वैकेंसी अगर फरवरी मार्च कभी भी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5-6 मंथ ही, मतलब 3-4 मंथ ही तैयारी करना है अच्छे से। उसके बाद अगर आपका तैयारी हो जाएगा तो फिर आपको इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपना एक जॉब तो आप निकाल ही लेंगे। तो आप पूरा फोकस रहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। सभी जो भी अनएम्प्लॉयड है सारे अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कोशिश करिए कि उन लोगों से मतलब 2-3 कदम आगे रहे, और अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका बहुत ही मतलब कम चांसेस रहेगा सिलेक्शन होने का, क्योंकि इस बार बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। सारे बीटेक होल्डर, डिप्लोमा होल्डर और आईटीआई वाले सब एक साथ आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो सोच लीजिए कंपटीशन कहाँ जाने वाला है। और वैकेंसी किस हिसाब से आएगा उस हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो आप लोग मतलब सेल्फ मोटिवेट रहिए और एकदम प्रिपरेशन को 100% करना है तो करना है, ये सोच लीजिए, क्योंकि आप ही का लाइफ है, आप ही को सही करना है, कोई तीसरा आपका लाइफ को चलाने वाला नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप अपना जो मोटिवेट मतलब जो आपका एम है उसको पूरा एकदम 100% एफर्ट लगा करके उसको पूरा उसमें सक्सेस हो जाना है इस बार। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के, तो जल्दी मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।